वॉयजर जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक उसने हमें सोलर सिस्टम के बारे में ऐसी जानकारियां दी हैं जिसने हमें हमेशा चौंकाया है। जिस तरह उसने पिछले साल हीलियोपॉज को पार कर हमें उसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसी तरह उसने एक बार फिर वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले नासा के वैज्ञानिक वॉयजर से मिले डेटा की मदद से सोलर सिस्टम के छोर पर मौजूद पार्टिकल्स की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने सोलर सिस्टम के छोर पर काफी हाई प्रेशर डिटेक्ट किया जो कि अनुमान से काफी ज्यादा था। वैज्ञानिक जेमी रैनकिन का कहना है कि ये प्रेशर शायद वो पार्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं जिन्हें आज तक हमने कभी डिटेक्ट ही नहीं किया। उनका कहना है कि हमने जो अनुमान लगाया था वो सिर्फ कुछ पार्टिकल्स को लेकर ही लगाया था, लेकिन वहां और भी पार्टिकल्स मौजूद हैं और हमें उन पार्टिकल्स के डिटेक्टेशन के लिए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। सूर्य सोलर विंड रिलीज करता है, ये एक बबल जैसा होता है और जहां ये बबल खत्म होता है उस एरिया को सौर मंडल का छोर कहा जाता है। इस छोर का साइज साल दर साल घटता बढ़ता रहता है। अभी ये बबल सूर्य से 14 अरब किलोमीटर दूर तक फैला है, मतलब अगर अभी किसी चीज को सौर मंडल से बाहर जाना है तो उसे सूर्य से 14 अरब किलोमीटर दूर जाना होगा। इस बबल के छोर को हीलियो शीत कहते हैं, जहां पर चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी काफी कम हो जाती है और सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कमजोर हो जाता है। इस छोर के बाद एक और बॉर्डर आता है जिसे हीलियोपॉज कहते हैं, और हीलियोपॉज से बाहर निकलते ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे तारों से अफेक्ट होने लगता है। आज तक इस हीलियोपॉज को सिर्फ दो प्रोब ने ही पार किया है और वो है वॉयजर 1 और 2। वॉयजर 1 आज हमसे 20 अरब किलोमीटर दूर है और आज ये जिस जगह पर है उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। एक समय आएगा जब हम इसी तरह के किसी स्पेसशिप में बैठकर दूसरे तारों पर जाने के लिए इंटरस्टेलर स्पेस की सैर करेंगे, जिस तरह आज वॉयजर कर रहा है। वहीं वॉयजर 2 भी वॉयजर 1 के पीछे पीछे भाग रहा है, हाँ लेकिन उनका रास्ता अलग है। अब बात करते हैं हीलियोपॉज के पास इतनी ज्यादा प्रेशर के बारे में। सालों पहले सूर्य से यानी 2012 में सोलर फ्लेयर निकली थी जिसकी वजह से उस बबल के एज में बदलाव आया और इसे वॉयजर 1 ने डिटेक्ट कर लिया, और ऐसा वॉयजर ने पहली बार किया है। बबल की एज में हुए इस बदलाव की वजह से वहां पर मौजूद पार्टिकल्स में हलचल बढ़ गई थी। इसे 2012 में वॉयजर 1 ने डिटेक्ट किया था, पर कुछ महीनों पहले वॉयजर 2 ने देखा कि इस घटना की वजह से बबल के छोर पर प्रेशर बढ़ गया। शायद इस फ्लेयर ने सारे पार्टिकल्स जिन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर सके थे उन्हें भी एक्टिव कर दिया और सारे पार्टिकल्स मिलकर वहां प्रेशर क्रिएट करने लगे। यह प्रेशर सिर्फ 267 फेमटो पास्कल है, इसका मतलब 10^-15 है। ये पृथ्वी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कई गुना कम है, कहें तो ये प्रेशर बहुत ही कम है, पर विज्ञान की दुनिया में इसकी बहुत अहमियत है। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने पाया कि हीलियोपॉज वाले एरिया से अगर कोई साउंड वेव पास होती है तो उसकी गति 314 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी पर साउंड वेव इससे हजारों गुना कम गति से ट्रेवल करती है। यही नहीं, इस रिसर्च में कॉस्मिक रेस से भी जुड़े तथ्य बाहर आए हैं। भले ही वॉयजर 1 और 2 बूढ़े हो गए हैं, पर यह अपनी मृत्यु तक हमें इस ब्रह्मांड की जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।